प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर इतने विराट व्यक्तित्व के मालिक कैसे बन गई? यह सवाल ऐसा है जिसकी गुत्थी सुलझाने में गांधी वाड्रा से लेकर ममता बनर्जी तक और केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव तक अपना सिर खपा रहे हैं। लेकिन अगर आपको यह समझना है तो जरा इस खबर पर अपने कान लगा दीजिए। इस ठिठुरन भरी ठंड में जब पारा लगातार 5 डिग्री से नीचे चला रहा है और रजाई से बाहर झांकने तक का मन नहीं हो रहा है, काशी विश्वनाथ धाम में काम करने वाले कर्मचारी नंगे पैर महादेव की सेवा में समर्पित रहते हैं। दरअसल भगवान शिव की नगरी में काशी विश्वनाथ धाम के अंदर चमड़े या रबर्स की चप्पल पहनना मना है, इसीलिए सभी कर्मचारी चाहे कोई भी मौसम हो हमेशा नंगे पैर ही रहते, संपूर्ण सेवा भाव के साथ काम करते रहते हैं। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में पीएम मोदी ने उनकी सुध ली है। मोदी ने जूट की बनी 100 जोड़ी चप्पलें बाबा के धाम भेजी हैं, जिससे कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों को इस भयंकर ठंड से कोई कठिनाई ना हो। जिन लोगों के लिए जूते भेजे गए हैं उनमें पुजारी, सेवा करने वाले, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी और अन्य लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि भगवान शिव के अनन्य भक्त मोदी का काशी विश्वनाथ धाम से गहरा जुड़ाव है। वे वाराणसी में सभी मुद्दों और घटनाक्रम पर बहुत करीबी से नजर रखते हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने और गरीबों के प्रति उनकी चिंता का यह एक और उदाहरण भर है। पिछले महीने पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया था। परियोजना का उद्घाटन करने के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने उन 2500 निर्माण कारीगरों और शिल्पकारों के साथ दोपहर का भोजन किया था, जिन्होंने पुराने मंदिर को एक नया रूप देने के लिए रात दिन मेहनत की थी। इतना ही नहीं, मोदी ने विश्वनाथ धाम में काम करने वाले मजदूरों पर फूल बरसाकर उनका अभिनंदन भी किया था। और अब जब उन्हें यह जानकारी मिली कि मंदिर परिसर में चमड़े या रबर से बने जूते चप्पल को पहनकर प्रवेश करना प्रतिबंधित है, तो सुरक्षा कर्मियों, सेवादारों और पुजारियों को ठंड से बचाने के लिए पीएम ने जूट, ऊन और रंग बिरंगे धागों से बुने खास चप्पल भेजे हैं, जिन्हें मंदिर परिसर में भी पहना जा सकेगा। आखिर यह सच है कि जिसने पीड़ा देखी वो ही पीड़ा बांटने का प्रयास कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।